फर्जी वेब सीरीज देखकर जाली नोट छापने लगा पेंटर, ऐसे चढ़ा पुलिस के हत्थे। फर्जी वेब सीरीज देखकर पेंटर का काम करने वाला एक शख्स ने नकली नोटों को छापने का धंधा शुरू कर दिया। गिरोह के मास्टरमाइंड ने इस काम में और भी कई लोगों को जोड़ लिया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए दिल्ली और राजस्थान से सभी आरोपियों को दबोच लिया है। कुछ दिनों पहले OTT प्लेटफॉर्म Amazon Prime पर एक वेब सीरीज रिलीज हुई थी जिसका नाम फर्जी था। इस वेब सीरीज में लीड रोल निभाने वाले अभिनेता शाहिद कपूर पैसों की कमी होने पर नकली नोट छापने का धंधा शुरू कर देते हैं। मनोरंजन के लिए बनाई गई इस फर्जी वेब सीरीज को देखकर दिल्ली में एक गैंग भी जाली नोटों का कारोबार करने लगा, जिसका अब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने भांडाफोड़ कर दिया है। पुलिस के मुताबिक गिरोह का सरगना शकूर जाली नोटों पर बनी वेब सीरीज फर्जी देखकर जाली नोट छापने लगा था। वेब सीरीज देखकर आया इंडिया। राजस्थान के नागौर के रहने वाले शकूर ने वेब सीरीज देखकर आया आइडिया। राजस्थान के नागौर के रहने वाले शकूर ने वेब सीरीज से आइडिया लेकर अपना एक गैंग बनाया। शकूर ने अपने गैंग में लोकेश, शिव, संजय और हिमांशु जैन जैसे लोगों को शामिल किया। फिर इन लोगों ने जाली नोट छापना शुरू कर दिया। जाली नोट को ये गैंग दिल्ली NCR में भी बेचा करते थे। ये लोग जाली नोट छोटे कारोबारियों को बेचा करते थे। दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच को जब इनके बारे में पता लगा तो पुलिस ने पहले गिरोह के सरगना शकूर को दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर के पास पकड़ा। फिर उसकी निशानदेही पर पूरे गैंग को राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने इनके पास से करीब 19 लाख रुपए के नकली नोट बरामद किए हैं। जाली नोटों के धंधे में शामिल एक सिंडिकेट के संदिग्ध सदस्यों की गतिविधियों पर काफी समय से निगरानी रखी गई थी। 6 लाख रुपए के नकली नोट के साथ मास्टरमाइंड गिरफ्तार। ASI गवर्नर और ASI अजय चौहान को शकूर मोहम्मद और लोकेश यादव नाम के दो अपराधियों के बारे में विशेष इनपुट मिला था। इन पर नकली नोटों के खपाने का आरोप था। पुलिस को इनपुट मिला कि नकली नोटों की एक खेप लेकर आरोपी दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर के क्षेत्र में आएंगे। इसके बाद दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर के पास जाल बिछाया गया और शकूर मोहम्मद और लोकेश यादव नाम के आरोपियों को पकड़ लिया गया। उनकी तलाशी के दौरान उनके कब्जे से 6 लाख रुपए मूल्य के 500 के हाई क्वालिटी नकली नोट बरामद हुए। लगातार पूछताछ के बाद आरोपियों ने खुलासा किया कि उन्हें पकड़ा गया नकली नोट उनके सहयोगियों हिमांशु जैन, शिवलाल और उनके भाई संजय से राजस्थान में मिला था। नकली नोट के साथ ही इन आरोपियों के ठिकाने से पुलिस ने नोटों की प्रिंटिंग में इस्तेमाल होने वाले 2 लैपटॉप, 3 कलर प्रिंटर, 2 लेमिनेशन मशीन, 2 पेन ड्राइव, पेपर शीट, स्याही और केमिकलर और नोट पर सुरक्षा धागे के रूप में उपयोग की जाने वाली हरी फाइल शीट और फ्रेम को बरामद किया है। आरोपियों के मोबाइल हैंडसेट, सिम कार्ड, एक क्रेटा कार और स्विफ्ट कार भी जब्त की गई है। पेंटर का काम करता था गिरोह का मास्टरमाइंड। नकली नोटों के गिरोह का मास्टरमाइंड 25 साल का आरोपी शकूर मोहम्मद ग्रेजुएट है। वह पेशे से पेंटर था और साल 2015 में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए अजमेर आया था। उसने पूछताछ में बताया कि वेब सीरीज फर्जी से वो नकली नोटों को छापने के लिए प्रेरित हुआ था।